गरुड़ पुराण के आचार कांड में अखंड द्वादशी व्रत, ब्रह्मा जी ने कहा अब मैं मोक्ष तथा शांति व्रत अखंड द्वादशी व्रत का वर्णन करता हूं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में गौ के दूध दही आदि को भोजन रूप में स्वीकार करके व्रत करने वाले उपासक को जगत के स्वामी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। चार मास पर्यंत अर्थात फागुन मास तक वे व्रती पांच प्रकार के धान्य से पूर्ण पात्र ब्राह्मण को दान दे और भगवान विष्णु की इस प्रकार से प्रार्थना करे। हे विष्णु, सात जन्मों में मैंने जो व्रत किए हैं, हे भगवान, वे आपकी कृपा से इस जन्म में पूर्ण हों। हे पुरुषोत्तम, जिस प्रकार आप ही इस संपूर्ण अखंड ब्रह्मांड के रूप में अवस्थित हैं, उसी प्रकार मेरे द्वारा किए गए ये सभी व्रत भी अखंड हो जाएं। चैत्र आदि चार मास में सत्तु से पूर्ण पात्र और श्रावण आदि चार महीनों में घृत पूर्ण पात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस विधि से वर्ष पर्यंत द्वादशी व्रत का संकल्प लेकर जो व्रती अपने व्रत को पूर्ण करता है वह स्त्री पुत्र आदि से संपन्न होकर अंत में स्वर्ग लोक का सुख भोग करता है।